स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ्स में हमारा होमवर्क क्वेश्चन से। तो तुम लोगों ने वैसे कल के टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है ना। आई एम प्राउड ऑफ यू, सभी का स्कोर काफी अच्छा है, ठीक है। और ऐसे मेहनत करते रहो और आगे भी ऐसे ही स्कोर करना, ठीक है ना। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क क्वेश्चन। तो डबल मॉड के ऊपर मैंने दिए थे प्रैक्टिस के लिए, आई होप सबने ट्राई किए होंगे। और अगर अभी भी ट्राई नहीं किए तो बिफोर वॉचिंग द लेक्चर यू शुड ट्राई, ठीक है ना, तभी ज्यादा सीखोगे एज कम्पेयर टू डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करना, ठीक है ना। चलो तो अब मैं बोलता हूँ, करता हूँ इसको। तो क्या बताया था अपन ने, स्टार्ट कैसे किया था कि मॉड ऑफ समथिंग इज लेस देन 8, दैट मीन्स व्हाट, जो समथिंग है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 8 होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी ग्रेटर देन माइनस 8, ठीक है ना। सो आई विल ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। मेरे लिए समथिंग कौन है, ये मॉड के अंदर जितना भी लिखा है, ठीक है। सो आई विल ब्रेक इट इनटू टू इनइक्वालिटीज दिस वे, ठीक है। तो मॉड ऑफ समथिंग, तो समथिंग हमारा ये है प्लस 5, दिस इज अवर समथिंग जो मैंने ब्रैकेट में लगा रखा है। सो दिस इज लेस देन 8 एंड एट द सेम टाइम, वैसे ही मैंने याद रखने को बोला है, लेस देन मतलब इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है ना। उसके बाद वही समथिंग मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 5 इज ग्रेटर देन माइनस 8, ठीक है ना। सो नाउ ट्रीट दिस एज अ टू डिफरेंट क्वेश्चन, ट्रीट यू हैव टू ट्रीट दिस एज अ टू डिफरेंट क्वेश्चन। एक ये मेरा क्वेश्चन है और एक मेरा ये क्वेश्चन है, दोनों का आंसर निकालेंगे एंड उन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो चलो अब मैंने कहा ये सेपरेट क्वेश्चन है, अगेन वी हैव टू मार्क हियर टू एरो लाइक दिस वे। अब उसने बोला सम, अच्छा एक मिनट, एक काम करते हैं, इससे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। इस 5 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 लेस देन 3, दिस इज द इनइक्वालिटी दैट वी हैव टू सॉल्व। एंड सिमिलरली हियर आल्सो मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन माइनस 13, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। सो इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और उसका मुझे इंटरसेक्शन लेना है। So now again this is a separate question for you. So I'll break it into two parts like this way. Mod of something less than 3, that means that something has to be lie between minus 3 to 3. So mera kya ho jayega, x plus 1 is less than 3. Acha less than hai to again intersection iske aur iske beech mein x plus 1 greater than minus 3. So from here you get x less than 2 intersection x greater than minus 4. So less than 2, 2 ke left mein, greater than minus 4, minus 4 ke right mein. So what is the intersection part? You can see this is the intersection part. So final answer for this inequality, I'm writing it here. That is minus 4 opens a 2 open. Minus 4 opens a 2 open. This is not the final answer for the whole inequality. This is the answer for this. Iska answer hai ye. Theek hai na? Iska. But mujhe iska bhi answer nikal ke dono ka intersection lena hai. Now you can see isme to kuch karne ki zarurat hi nahi hai. The reason is, ye kya likha hai? Mod of something, matlab non-negative quantity is greater than minus 13. Is greater than negative, which is true for all x. मतलब x हम इसमें कुछ भी डालें ये तो हमेशा true होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, r। अच्छा अब मेरे को किस किस का इंटरसेक्शन लेना है, इसका और इस r का। सो वी नो अगर ऑल रियल नंबर्स के साथ मैंने इसका इंटरसेक्शन लिखा तो व्हाट इज माय फाइनल आंसर, दिस ओनली, दैट इज माइनस 2 से माइनस 4 से 2 ओपन, गेट इट। तो फाइनल आंसर आई एम राइटिंग इट हियर, आई होप सभी ने सब किया होगा सही, माइनस 4 ओपन से 2 ओपन, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देता हूँ, कॉपी करते जाना, ठीक है ना। और एक दो दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बस मॉडुलस के एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आज ही हम कवर करेंगे और फिर उसके बाद हमारा बचता है स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी, और जो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है वैसे, लेकिन वो हम लॉग के ड्यूरिंग पढ़ेंगे क्योंकि उसमें लॉग का यूज होगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा बेसिक मैथ्स में, दैट विल बी लॉग। चलो तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 5 ग्रेटर देन 8, ठीक है ना। मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 5 इज ग्रेटर देन 8। सो वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो अगर नहीं किया हो तो, अदरवाइज मैं तो कर ही रहा हूँ अभी। ये हमारा समथिंग है, तो आई ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। मॉड ऑफ समथिंग ग्रेटर देन 8 मतलब जो समथिंग है वो क्या होना चाहिए, 8 के राइट में, 8 के राइट मतलब ग्रेटर देन 8 या फिर यूनियन माइनस 8 से छोटा, क्योंकि अगर वो समथिंग का समथिंग जो है अगर माइनस 8 से छोटा होगा मतलब माइनस 8 के लेफ्ट में होगा देन उसका मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 8, ऐसे एक्सप्लेनेशन होता है। तो हमने लिखा मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 5 इज ग्रेटर देन 8 या फिर यूनियन मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 5 इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन माइनस 8, माइनस 8 से छोटा हो मतलब माइनस 8 के लेफ्ट में हो या फिर इसका मतलब या फिर 8 के राइट में हो मतलब ग्रेटर देन 8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 3। चलो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, अगेन दिस इज अ मॉडुलस इनइक्वालिटी, विल ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 3,
मतलब जो x plus 1 है वो 3 से बड़ा होना चाहिए या फिर minus 3 से छोटा. तो अगेन आई विल ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स एंड आई विल टेक यूनियन ऑफ दीज टू. सो दिस इज x plus 1 ग्रेटर देन 3 यूनियन x plus 1 लेस देन minus 3. फ्रॉम हियर यू विल गेट x ग्रेटर देन 2 एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट x लेस देन minus 4. सो इन दोनों का यूनियन लेना है. सो सी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन minus 4. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है ना, दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी. ये जो आंसर लिखा है अभी ये इसका आंसर है. ठीक है ना, ये इसका आंसर है. बट अभी मुझे इसको और सॉल्व करना है, दोनों का यूनियन लेना है. तो लेट्स सॉल्व दिस वन. इधर क्या लिखा है, मोड ऑफ एक्स प्लस वन लेस देन माइनस 30. नाउ अगेन नो नीड ऑफ पेन एंड पेपर हियर बिकॉज ये क्या बोल रहा है, सम नॉन नेगेटिव क्वांटिटी. क्या नेगेटिव से छोटा, सॉरी ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी मतलब जीरो या पॉजिटिव. कैन इट बी लेस देन माइनस 13 फॉर एनी एक्स? नो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो फॉर ऑल एक्स. बट दिस इज नेगेटिव, सो पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव नॉट वैलिड. मतलब नॉट वैलिड से मेरा मतलब क्या है, देयर इज नो सच एक्स फॉर व्हिच दिस विल बी ट्रू. हेंस फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट माई आंसर इज 5. नाउ व्हाट यू हैव टू टेक, यू हैव टू टेक यूनियन ऑफ दीज टू. लिखा है यूनियन, तो यूनियन लेना है. सो नल सेट का किसी भी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो यू विल गेट दिस ओनली. सो माई आंसर इज दिस ओनली. तो मैं सेट के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4 यूनियन 2 से इन्फिनिटी. गॉट इट, क्लियर हुआ? अच्छा अब एक छोटा सा बात, जैसे मान लो इसके पहले इससे जस्ट पहले वाला अगर हमने क्वेश्चन किया होता तो हमें इसकी इसका आंसर हम डायरेक्टली लिख सकते. द रीजन इज, देखो इससे पहले जो क्वेश्चन दिया था उसमें मेरा क्या था, उसमें मेरे ऐसा लिखा था, देखो मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 5 इज लेस देन 8. उसने बोला कि ये क्वांटिटी लेस देन 8 कब होगी और अभी बोल रहा है ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 8 कब होगी. तो हमने ऑलरेडी इसका आंसर निकाल लिया था, दैट इज माइनस 4 से 2 ओपन, माइनस 4 ओपन से 2 ओपन. तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बोल सकता था कि उन x को छोड़ के बाकी सभी x जो इसके आंसर थे, उन x को छोड़ के बाकी सभी x के लिए ग्रेटर देन 8 होगा. मैंने बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 3 पे ये ट्रू हो रहा है तो 2 और 3 को छोड़ के ये ट्रू होगा बिकॉज इधर लेस देन 8 है, इधर ग्रेटर देन 8 है. गेटिंग माई पॉइंट विदाउट सॉल्विंग दिस कंप्लीटली, अगर मैंने पहले ये वाला क्वेश्चन किया है तो मैं इसका आंसर डायरेक्टली भी लिख सकता था क्योंकि उधर आंसर क्या आया था मेरा, उधर मेरा आंसर आया था माइनस 4 ओपन से 2 ओपन, माइनस 4 ओपन से 2 ओपन. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर शुड बी, सुनना, शुड बी आर माइनस माइनस 4 से 2. इसमें छोटा सा बस एक पॉइंट है, बस छोटा सा एक पॉइंट और मिसिंग है कि इधर भी इक्वालिटी नहीं है, इधर भी इक्वालिटी नहीं. तो जब ये चीज जीरो हो रही है ना, उस वो वैल्यूज ऑफ एक्स मुझे इसमें से हटाना पड़ेगा. गेटिंग द पॉइंट? तो ये देखो आर माइनस ये आंसर कब होता, अगर मान लो ये आंसर ऐसा लिखा होता ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, क्योंकि देखो लेस देन का निकाल लिया मैंने, अब मेरे को ग्रेटर देन का निकालना है तो मैं क्या करूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का आर में से इसका आंसर हटा देता हूँ तो वो तो ये आता. बट अब इधर क्या है कि इधर लेस देन भी नहीं था, तो इसका मतलब इक्वल टू तो दोनों में नहीं है, सॉरी इक्वल टू तो दोनों में ही नहीं है. तो लेस देन वाला मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ टोटल रियल वैल्यूज में से, बट ऑल्सो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट वेयर इट इज जीरो. तो ये जीरो का हो रहा है, इसको सेपरेटली कर सकते हो, जैसे मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 8, तो इधर से आया एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 3, सॉरी मॉड ऑफ, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 3, तो एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3. तो फ्रॉम हियर यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 4. तो 2 और माइनस 4 और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 2 कॉमा 4, सॉरी ये तो ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड है, अगर मैं इधर क्लोज लगाता तो ultimately what I'll get this result. Try to understand the logic. ठीक है ना, अगेन अगर नहीं समझ में आ रहा इस डायरेक्टली मैंने कैसे लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये प्रोसीजरल सॉल्व करना आना चाहिए. बट मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ टाइम बच जाता कि अगर इसका आंसर पता है तो हम इसका डायरेक्टली लिख सकते थे, आर माइनस इसका आंसर माइनस जहाँ ये चीज़ जीरो हो रही है, बिकॉज इसने जीरो भी नहीं पूछा ना, जीरो इधर भी नहीं पूछा था, इधर भी नहीं पूछा. ठीक है ना, चलो अगेन तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी. ठीक है ना, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. फिर भी कोई डाउट आता, जैसे एक बच्चे का डाउट था कि सर डबल मॉडुलस में दिक्कत हो रही है, आज नहीं होगी, फिर आज से नहीं होगी, बिकॉज अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे. ठीक है ना, तो अब से दिक्कत नहीं होना चाहिए. तो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन क्या था हमारा, चलो ग्रेटर देन पे. तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 5 ग्रेटर देन 14. सो लेट्स सी, दिस इज अवर क्वेश्चन, करते हैं अब इसको. तो मॉड ऑफ समथिंग, मेरा समथिंग कौन है इधर, जो मॉड के अंदर लिखा है, मतलब ये वाला पार्ट.
ये वाला पार्ट इज मेरा समथिंग, तो क्या करूंगा, समथिंग इज मोड ऑफ समथिंग 14 से बड़ा कब होगा, जब वो समथिंग जो है 14 के राइट में हो या माइनस 14 के लेफ्ट में हो, मतलब यूनियन लेंगे पहली बात तो, और क्या आएगा मोड ऑफ x माइनस 2 माइनस 5 ग्रेटर देन 14, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं या फिर, मतलब यूनियन मोड ऑफ x माइनस 2 माइनस 5 इज लेस देन माइनस 14. सो दिस क्वेश्चन नाउ इट इज सेपरेटेड इनटू टू इनइक्वालिटीज, दो सेपरेट क्वेश्चन हो गया, इसको मैं फर्दर पहले ऐसे लिख लेता हूँ, मोड ऑफ x माइनस 2 mod of x minus 2 is greater than 19. अब अगेन दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन, यू विल ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स, उसने क्या लिखा है मोड ऑफ समथिंग ग्रेटर देन 19, तो क्या होगा जब वो समथिंग जो हो 19 से बड़ा हो, दैट इज x minus 2 is greater than 19, अगेन ग्रेटर देन है तो यूनियन x minus 2 is less than minus 19, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट x is greater than 21 एंड हियर x less than आई थिंक minus 17, ठीक है, सो व्हेन यू विल टेक यूनियन ऑफ दीस टू आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, सो माइनस 17 से छोटा तो मतलब इस साइड माइनस 17 अगर ये है तो, और 21 के राइट में मतलब ये वाला पार्ट, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस इनइक्वालिटी, इसका आंसर है ये, ठीक है ना, बट मुझे अभी इसका क्या लेना है यूनियन किसके साथ, इसके आंसर के साथ, तो लेट्स सॉल्व दिस ऑल्सो, सो दिस इज मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन माइनस 9, देख लो एक बार, नाउ अगेन नो नीड ऑफ पेन एंड पेपर फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, द रीजन इज क्या लिखा है वो लॉजिकली देखो, मॉड ऑफ समथिंग क्या नेगेटिव से छोटा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, फॉर किसी भी एक्स के लिए नहीं होगा, फाइल से इसका आंसर इज 5, गेट इट, मॉड ऑफ समथिंग लेस देन नेगेटिव इट इज नेवर ट्रू, नो एक्स विल बी देयर फॉर विच दिस होल्ड्स ट्रू, हेंस आंसर फॉर दिस इज 5. नाउ वी हैव टू टेक व्हाट, इसका और इसका, वी हैव टू टेक यूनियन, सो नल सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन लेंगे तो यू गेट द सेम सेट, तो फाइनल आंसर इज माइनस इन्फिनिटी से माइनस 17 यूनियन 21 से infinity. So this is what the final answer for this particular question. Getting it? Chalo. So video pause karo. Isko copy karo. Now let's move to the fourth homework question. Next question tha. Mod of x minus 3 ka mod. Ye mod plus 4 का मॉड इज लेस देन 9, ठीक है, सो मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस 4 इज लेस देन 9, तो करते हैं इसको अगेन, मेरे लिए समथिंग कौन है देखते हैं पहले, मैंने कहा दिस इज समथिंग फॉर मी, सो अगेन आई विल ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, सो समथिंग लेस देन 9 दिया है, मतलब जो समथिंग होना चाहिए क्या होना चाहिए, माइनस 9 और 9 के बीच में होना चाहिए, मतलब 9 से छोटा एंड एट द सेम टाइम, मतलब इंटरसेक्शन, वैसे भी लेस देन है याद करवाया है, लेस देन मतलब इंटरसेक्शन, तो एंड एट द सेम टाइम इट्स जो समथिंग है दैट शुड बी लेस ग्रेटर देन माइनस 9, तो क्या लिखूंगा समथिंग दैट इज x माइनस 3 का मॉड प्लस 4, दिस हैज टू बी लेस देन 9 एंड इंटरसेक्शन विद मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस 4 इट इज ग्रेटर देन माइनस 9, मतलब जो समथिंग है वो मेरा माइनस 9 और 9 के बीच में होना चाहिए, नाउ दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन, सो इसको पहले मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लिया, 4 को उधर लेके गया लेस देन 5, सिमिलरली चलो इसको भी लिख लेते हैं मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन माइनस 13, now these are two separate questions, तो करते हैं इसको, तो mod of something less than 5, that means what, जो something है that should lie between minus 5 to 5, so I'll break it into two parts, so x minus 3 should be less than 5 intersection, वैसे भी बोला less than है तो intersection, x minus 3 greater than minus 5, so from here you'll get x less than 8 and from here you'll get x greater than minus 2, so इन दोनों का मुझे intersection लेना है, तो x less than 8 मतलब ये पार्ट और ग्रेटर देन माइनस 2 मतलब ये वाला पार्ट, इन दोनों का इंटरसेक्शन इज दिस मच पार्ट, सो मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लिख रहा हूँ दैट इज माइनस 2 ओपन से 8 ओपन, दिस इज द आंसर फॉर दिस पार्ट, बट मुझे इसको भी इसका भी लेना है, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, नाउ अगेन नो नीड ऑफ पेन एंड पेपर फॉर दिस इनइक्वालिटी, बिकॉज क्या बोल रहा है ये मॉड ऑफ समथिंग ग्रेटर देन नेगेटिव विच इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, बिकॉज दिस इज नॉन नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव which is true for all x, hence इसका आंसर is x belongs to R. अब मुझे क्या करना है इसका ये और ये इन दोनों का intersection, इन दोनों का intersection, तो all real values के साथ इसका अगर intersection लोगे तो you'll get this set only and this is nothing but minus 2 open से 8 open, so final answer for my this question is minus 2 open से 8 open, got it बच्चों, समझ में आ रहा है ना,
चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। बस हमारे एक कैटेगरी क्वेश्चन और रहेगा, एक दो डाउट क्लियर, ये वाला क्लियर कर ले, उसके बाद फिर अपन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मॉड के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना? वो और थोड़े लेंथी होते हैं, तो विल सी, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम लोग। चलो तो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाँ ये एक मैंने बोला था कुछ तुम लोग को कीजिए, जो छह क्वेश्चन दिए उसमें से कुछ क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर हो जाएंगे, तो दैट उस कैटेगरी के अंदर फॉल होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 7 इज लेस देन 6, इज लेस देन 6, बिकॉज इसके अंदर हमें पेन पेपर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। द रीजन इज, आई होप अब समझ गए होगे अभी शायद इतना बोलने के बाद। देखो ये क्या है, मॉड ऑफ समथिंग विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज 7, तो ये टोटल जो मॉड के अंदर लिखा है दैट क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, ये 0 या 0 से बड़ी, उसमें 7 ऐड करूंगा तो ओवरऑल क्वांटिटी होगी 7 या 7 से बड़ी, तो 7 या 7 से बड़ी क्वांटिटी का मॉड जो होगा वो 7 या 7 से बड़ा होगा, तो समथिंग ग्रेटर देन 7 कैन वी से दिस इज लेस देन 6, इट कैन नेवर बी, ऐसे बोल लो भले 7 में मैं कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहा हूं क्या वो 6 से छोटा हो सकता है ओवरऑल, नहीं, तो इसका आंसर इज वाई, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव प्लस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। अब ये जो LHS में जो लिखा है वो हमेशा 7 से बड़ा है फॉर ऑल x, और जो RHS में बोल रहा है कि ये चीज 6 से छोटी हो सकती है किसी x के लिए, तो मेरा आंसर क्या होगा, नो 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 वैल्यू फॉर नो वैल्यूज ऑफ x, हेंस माय आंसर इज x बिलोंग्स टू y, गॉट इट। चलो तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, वो मतलब कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है वो, ठीक है ना? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस इज अ ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 इज लेस देन 1, एक मिनट इसके आगे भी मॉड लगा है, ओके चलो चलो देखते हैं मॉड ऑफ, एक मिनट, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 का होल मॉड लेस देन 1, ओके परफेक्ट। नाउ सी अगेन इसका भी मैं विदाउट पेन एंड पेपर, अच्छा एक काम करता हूँ मैं इसको दोनों तरीके से बताता हूँ, एक लॉजिकली और एक जो हम हर बात प्रोसीजर से कर रहे हैं, ठीक है ना? चलो अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम लॉजिक जो मैंने अभी यूज किया था, दिस इज वॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्वांटिटी नॉन नेगेटिव मॉड ऑफ समथिंग, उसमें मैंने 1 ऐड कर रखा है प्लस 1, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी हो गई वॉट एवर इज रिटन इनसाइड द मॉड, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अगर मैंने 1 के अंदर कोई नॉन नेगेटिव क्वांटिटी ऐड करी तो क्या होगा, वो जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी 1 या फिर 1 से बड़ा, 1 से छोटा तो नहीं हो सकता, बट उसने क्या बोला है दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1, कभी होगी क्या? सो माय आंसर इज अगेन y, गेटिंग इट, मॉड ऑफ x + 1 + 1 दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एंड उसने पूछा ये क्वांटिटी का मॉड 1 से छोटा कभी हो पाएगा क्या, हम बोलेंगे कभी ना होगा, बिकॉज वट एवर इज रिटर्न इन साइड द मॉड दैट इज ग्रेटर देन 1, और उन सभी नंबर्स का जो 1 से 1 या 1 से बड़े उन सभी का मॉड लूंगा तो 1 से छोटा कैसे आएगा, इट कैन नेवर बी, हेंस माय आंसर इज 5। अच्छा अब जैसे कि मैंने बोला था, ठीक है ये तो मैंने लॉजिकली बोल दिया विदाउट पेन एंड पेपर, बट अगर मान लो मैं बिल्कुल सॉल्व करना चाहता हूँ प्रोसीजर से, तो देख लेते हैं प्रोसीजर से क्या आता है, ऑफकोर्स यही आना चाहिए जो आया, बट लेट अस चेक इट। तो अगेन मेरा समथिंग कौन होगा ये, तो मैं इसको ब्रेक किया दो पार्ट्स में, सो मॉड ऑफ, अच्छा एक चीज़ और उससे पहले ऑब्जर्वेशन वाली है, ज़्यादा बेटर रहेगा एक बार देख लो, मैंने बोला ये जो क्वांटिटी है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये जो क्वांटिटी है ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुकी, इस टाइप का क्वाड्रेटिक, इस टाइप का क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज में डिस्कस कर चुका कि ये क्या होता है, इसका डी नेगेटिव है, हेंस दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स ये मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है सभी एक्स के लिए। एक और प्रूफ तरीका क्या, एक तो मैंने ग्राफिकली बोल दिया कि इसका ग्राफ जो होगा ना वो इस टाइप का होगा, पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, और दूसरा तरीका है, बाकी हम देखेंगे क्वाड्रेटिक में ये सब चीज़ें, बट दूसरा तरीका है जैसे मैंने लास्ट क्लास में तो तुम्हें बताया था कि मुझे मान लो प्रूफ करना कोई क्वाड्रेटिक है इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, वी विल मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, कैसे बनाऊंगा इसका देखना, मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4, देखो करेक्ट लिखा है क्या नहीं, ओपन करके देखो इसको क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab के कारण एक्स प्लस 1/4 प्लस 3/4 तो 1, क्या कहते हैं, नाउ यू कैन सी कि ये तो स्क्वायर है किसी क्वांटिटी का, ऑफ कोर्स रियल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो दिस इज नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर उसमें मैंने 3/4 ऐड किया
तो वॉट एवर क्वान्टिटी विल गेट दिस इज पॉजिटिव. तो एक तरीका ये है बोलने का. अच्छा अब मैंने बोला कि ये क्वान्टिटी पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स, देन इज इट मतलब मॉड लगाने का कोई फायदा है? नहीं, वी कैन डायरेक्टली रिमूव द मॉड. क्योंकि अगर हम एक बार श्योर है कि मॉड के अंदर जो क्वान्टिटी लिखा है वो पॉजिटिव है तो नो नीड ऑफ पुटिंग द मॉड. ठीक है ना? तो वॉट वी कैन डू, वी कैन इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन डू लाइक दिस इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस वन लेस देन वन. अंदर वाले मॉड का इसका कोई यूज नहीं है. वॉट यू आर गेटिंग इन साइड द मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू लेस देन वन. गेटिंग इट? क्लियर हुआ यहाँ तक? इसको कैसे लिखा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें बट बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ आई विल ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, तुम लोग कॉपी कर लो साइड इसमें जो लिखा है मैंने. हाँ तो मैंने बोला तो इसको ब्रेक किया समथिंग क्वांटिटी लेस देन वन, तो क्या होगा दैट क्वांटिटी हैज टू बी लेस देन वन ग्रेटर देन माइनस वन. सो आई विल ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू लेस देन वन एंड एट द सेम टाइम मतलब इंटरसेक्शन, और लेस देन मतलब इंटरसेक्शन x square plus x plus 2 greater than minus 1. So from here what you'll get x square plus x plus 1 less than 0 and what you will get here x square plus x plus 3 greater than 0. Now see very important again quadratic inequality ka part aa gaya. Again you'll get luckily same quadratic and we know this is positive for all x. Aur ye kya bol raha hai, ye quantity less than 0 hogi kya kisi x ke liye? हमने बोले वैसे हमें पता है ये पॉजिटिव है बट ये क्या बोल रहा है दिस क्वांटिटी इज लेस देन जीरो किसी एक्स के लिए पॉसिबल है. तो माय आंसर इज 5. अच्छा अब मेरा एक बार आंसर अगर 5 आ गया, सुनना ध्यान से, एक बार मेरा आंसर इसका 5 आ गया एंड वी नो वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन, तो मैं इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. द रीजन इज किसी भी सेट का अगर मान लो इसका आंसर जो भी आए, वॉट एवर इसका आंसर आए, हमें मतलब नहीं है इसका आंसर जो भी आए, अगर उसके आंसर का मैं किसी भी आंसर का अगर मैं नल सेट के साथ इंटरसेक्शन लूंगा, कॉमन इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, वॉट यू गेट नल सेट ओनली. Hence my answer for this particular answer question is 5. और directly भी हमें ऐसे मिला था logically जब मैंने बोला था. Getting the things मेरा ये छोटे देखो छोटा छोटा दो दो तीन तीन second बचाने हैं, ये बहुत important होता है जैसे मैंने पहले बोला. So no need of solving this. Again I know कि ये भी बहुत easy है because इसका भी जो d है ना that is negative. So this is true for all x. Actually क्या करोगे अगर तुम properly solve करोगे, so ये लिखोगे कि इसका d जो है वो negative है, फिर a positive है, that means this is positive for all x. फिर बोलोगे positive greater than 0, तो इसका आंसर लिखोगे x belongs to R. अब इसका और null set का you will take intersection, you'll get 5. But मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इतना analysis करना भी जरूरी नहीं है. The reason is luckily क्या हुआ जो दूसरा एक inequality इसका आंसर 5 आ गया और मुझे intersection लेना है. हाँ अगर union लेना होता तो फिर मैं नहीं छोड़ सकता, तो proper solve करना पड़ता. Since I have to take intersection and one of the answer is 5, तो directly I can say the final answer is 5 only. Got it? चलो तो ये हो गए हमारे 6 क्वेश्चन. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन की तरफ. तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, ठीक है? और अगर कहीं भी कुछ डाउट आ रहा है तो एक बार रिमाइंड करके दोबारा देखो आगे बढ़ने के पहले, ठीक है ना? अब हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पे जा रहे हैं. तो पहले ये वाली कैटेगरी अच्छे से होना चाहिए, क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर, उसके बाद ही तुम लोग नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव करो, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? जैसे अभी तक तो क्या था, एक मॉड था या फिर दो मॉड थे, तो बट एक ही टर्म के ऊपर थे. अब जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है देख रहे हो उसमें क्या होगा हमारा, लाइक दिस वे. जैसे मैंने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, लेट्स से मैं इसको लिख रहा हूँ लेस देन कुछ भी लिख लिया, लेट्स से 6 मान लो, दिस इज इंक्वालिटी. अब इसमें और पुराने वाले में अंतर है. पुराने वाले में तो क्या था ना कि था तो उधर भी दो मॉड था, लेकिन इधर अलग अलग टर्म्स पे मॉड है, गेटिंग माय, उस पे होल मॉड था, तो वी कैन ब्रेक इट इनटू टू लाइक यूजिंग दैट एरो, बट हियर वी कैन नॉट डू दैट. ठीक है, हियर वी कैन नॉट डू दैट. इधर लिखा है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन 6, ठीक है ना? तो हम इधर मॉड को कैसे हटाएं? देखो अल्टीमेट, देखो सुनना मेरी बात, एक गोल याद, एक चीज याद रख लो कि किसी भी तरीके से मेरा अल्टीमेट टास्क क्या है, मतलब सबसे पहला टास्क मुझे मॉड हटाना है. अब कैसे भी हटाओ विथ सम लॉजिक, मतलब ऑफकोर्स मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए, मुझे मतलब माइंड में ये रखो कि मुझे मॉड हटाना है, मुझे मॉड हटाना है, ठीक है? अच्छा मॉड हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मॉड हटाना हो मान लो मुझे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे ऐसे लिखा मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, अब मुझे इसका मॉड हटाना है, तो अपन ने लिखा था हाउ टू ओपन द मॉड. देखो मॉड क्यों ओपन कर रहे हैं, बिकॉज व्हेन आई विल ओपन द मॉड ना, व्हाट यू विल गेट,
is linear inequality. Getting it? For example, if I'll open the mod, you can see you will get a linear kind of inequality. So मुझे पता है कि मेरे को linear inequality solve करना आता है, ठीक है ना? मतलब मेरे को, मैंने जितने भी अभी quadratic भी जैसे देखा, हमारा destination क्या होता था, मतलब just मतलब कहने का मतलब किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चन हो, हम उसको किस में कन्वर्ट करते थे? लीनियर में कन्वर्ट करते हैं ना, कैसे भी करके, एलसीएम लेके चाहे कैसे भी करके. तो हियर आल्सो आई वांट कि ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब मॉड वॉड ना रहे. तो मेरा माइंड में बैक ऑफ माइंड चलना चाहिए कि मुझे मॉड हटाना है. अब एक बार मॉड कैसे हटाते थे वो देख लेते हैं. देखो, मॉड हटाने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि जो मॉड के अंदर की क्वांटिटी है वो जिन एक्स के लिए पॉजिटिव है उन एक्स के लिए तो मॉड एज इट इज ओपन हो जाएगा, और जिन एक्स के लिए वो क्वांटिटी नेगेटिव है मॉड के अंदर की उनके लिए मॉड विल ओपन विद द नेगेटिव साइन. ये याद करवाया अपन ने और समझा भी था. तो मैंने बोला कि अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव कब है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए. तो उन सभी एक्स के लिए तो आई कैन डायरेक्टली ओपन दिस, मतलब दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स माइनस 3. कब? व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. एक्स अगर 3 से बड़ा होगा तो मॉड के अंदर की क्वांटिटी क्या होगी? नॉन नेगेटिव. तो मॉड विल ओपन डायरेक्टली. और अगर मैंने बोला x less than 3 होगा, अगर x less than 3 होगा then whatever is written inside the mod is negative. तो क्या करेंगे, mod को open करेंगे with negative sign. So this will be minus of x minus 3. Getting it? ये चीज अब हम use करेंगे. इसमें भी थोड़ा सा और सतर्क रहना है. The reason is इधर दो दो mod है, एक mod में तो बहुत आसान होता है, ठीक है? अच्छा, अब क्या करें, अब देखना कैसे करना है. अब देखो, मुझे पता है कि ये वाली जो quantity है, ये वाली क्वांटिटी जो है वो x ग्रेटर देन 1 के लिए पॉजिटिव है, x लेस देन 1 के लिए नेगेटिव है. तो इसके हिसाब से तो मुझे दो इंटरवल में ब्रेक करना पड़ेगा, और इसके हिसाब से भी दो इंटरवल में ब्रेक करना पड़ेगा फॉर x ग्रेटर देन 2, फॉर x लेस देन 3. तो अब कुल मिला के मैं कितने इंटरवल में ब्रेक करूँ वो बात आती है. तो अब सबसे पहले देखो, अभी जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी तो मैं धीरे धीरे क्लियर होगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ. मैंने क्या किया, सबसे पहले नंबर लाइन प्लॉट करी, ठीक है? अब मैंने क्या किया, जो मॉड के अंदर टर्म्स लिखे वो जीरो कहाँ हो रहा है, ये 1 पे हो रहा है, ये 2 पे हो रहा है. तो मैंने 1 और 2 को मार्क किया, 1 और 2 को. सुनना ध्यान से, सुनो, सब कुछ क्लियर होगा, ए टू जेड थिंग क्रिस्टल क्लियर करवा के रहूंगा मैं. सुनना, इसको हटा रहा हूं मैं. अब मैंने क्या बोला कि अब हम क्या कर रहे हैं ना, जैसे सुनना ध्यान से कि आई विल ब्रेक द एंटायर एक्सिस इन 3 पार्ट्स. मतलब मैं इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में एनालिसिस कर रहा हूं. क्या कर रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके एनालिसिस कर रहा हूं. इसका मतलब क्या है, पहले मैं ये चेक कर लेता हूं कि इन सभी x में से मेरा कौन सा फेवरेबल x है, फिर मैं बोलूंगा कि इन सभी x में से कौन सा मेरा फेवरेबल x है, और इन सभी x में से कौन सा मेरा फेवरेबल x है, और उन तीनों का यूनियन इज माय आंसर. क्या बोल रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से दोबारा, मैं देख लेता हूं. मैंने क्या किया, एनालिसिस के लिए 3 पार्ट्स में ब्रेक किया. मैं देख रहा हूं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए, वो जो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जितने भी नंबर है इनफाइनाइट उनमें से फेवरेबल कौन से हैं मेरे. फिर मैं बोल रहा हूं x 1 से लेके 2 जितने भी x हैं उनमें से फेवरेबल कौन से हैं, और x लेस देन 1 उनमें से फेवरेबल कितने हैं, और फिर उन तीनों को यूनियन ले लूंगा मैं, ऑल 3 आर माय आंसर्स, ठीक है? तो एनालिसिस को मैं ब्रेक करके कैसे लिखूं मैं, आई एम एनालाइजिंग फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. तो केस 1, बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, देखना ध्यान से, बहुत मजेदार चीज है ये, बहुत मजा भी आएगा सॉल्व करने में, और सतर्क रहना पड़ेगा, कहीं मिस्टेक नहीं करना. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, लेट्स से ये है. फिर मैंने बोला केस 2, x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एंड माय केस 3 इज x इज लेस देन 1. समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं इस इंटरवल में देख रहा हूँ, इस इंटरवल में कि कौन सा मेरा फेवरेबल है, ठीक है? अब सुनना, मेरा डोमेन क्या हो गया, ये इंटरवल. अब मैं इस इंटरवल के लिए एनालाइज कर रहा हूँ इस इनइक्वालिटी को, मतलब इस इंटरवल ऑफ एक्स में देखूंगा कौन से एक्स मेरे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है इस इंटरवल के लिए. फॉरगेट अबाउट दीज 2 केसेस. अब मैं इस केस पे आ रहा हूँ, ठीक है ना? तो अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मैंने बोला अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो कैन यू सी बोथ द मॉड, वॉट एवर इज रिटन इनसाइड द मॉड, inside this mod is positive, inside this mod is positive, because x greater than equals to 2, for example 3 dala, so 3 minus 1 2 which is positive, 3 minus 2 1 which is positive. So for this interval of x, for these x, ye jo mod hai aur ye do mod, ye jo mod hai, both will open with a positive sign, because whatever is written inside the mod for these values of x that is positive, has no need to put mod. So what I'll do, I'll break like this way, x minus 1 plus
एक्स माइनस टू लेस देन सिक्स, तो फ्रॉम हियर यू गेट टू एक्स माइनस थ्री लेस देन सिक्स एंड एक्स लेस देन देख लो नाइन बाई टू. तो कैन आई से दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट केस? सुनो पहले बताना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बच्चे गलती करते हैं. कैन आई से दिस इज द आंसर? अच्छा ये आंसर आया किसका? ये जो आंसर है वो क्या इसका है? क्या वो इसका है? खुद से पूछो. नहीं, ये जो आंसर है वो इसका नहीं है, वो एक्चुअली इसका आंसर है. वो इसका आंसर है ये. सर ये तो इसी के बराबर है. नहीं है ना, ये इसके बराबर नहीं है. ये इसके बराबर है लेकिन ओनली फॉर दिस इंटरवल. कीप दैट इन माइंड. वर्डिंग्स पे ध्यान दो मेरे. मैंने क्या बोला दोबारा? मैंने बोला x लेस देन 9 बाई टू. दिस इज आंसर किस इनइक्वालिटी का? इस इनइक्वालिटी का. फिर कोई बोलेगा सर ये और ये तो बराबर है. नहीं है ना भाई, इधर तो मॉड लगा इधर मॉड नहीं लगा. अब कोई बोलेगा सर आपने फिर इसको तो लिख दिया, ये लिख तो दिया बट मैंने कंडीशन लगाई है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. मतलब x अगर 2 से बड़ा है, 2 या 2 से बड़ा है तभी मैं इस इनइक्वालिटी को ऐसे लिख रहा हूँ. बट ये आंसर तो इसका है. अच्छा फिर मैं क्या करूँ? सोचो लॉजिकली सोचो. अब याद नहीं रखना है, मतलब याद रखना है इन द सेंस रटना नहीं है. अब मैं क्या करूँ? वॉट इज कैन आई से दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर केस? नहीं. अब हम क्या करेंगे भैया? ये देखेंगे कि हमने जो इस इनइक्वालिटी को, जब मैं इधर से इधर आया, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने के लिए, रटना नहीं अगेन. इधर से मैं इधर आया तो मेरे माइंड में क्या है कि भैया मुझे ये कंडीशन रखना ही रखना है कि मतलब आई एम एनालाइजिंग ओनली फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. हेंस जो मेरे अब इस इनइक्वालिटी को जो सॉल्व करके आंसर आया ना, इसमें से वही एक्स चूज करूंगा मैं जो 2 से बड़े हो. इधर लिखो हिंदी में, इनमें से, इनमें से, मेरी हिंदी इतनी लिखने में होती थी नहीं है, ठीक है समझ लेना. इनमें से वही एक्स लूंगा इनमें से वही एक्स लूंगा जो 2 या 2 से बड़े होंगे. गेटिंग इट? इनमें से वही एक्स लूंगा जो 2 या 2 से बड़े होंगे. इन मैथमेटिक्स व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू. मतलब मैं ये आंसर कम नहीं बोलूंगा, इसमें से वही पार्ट लूंगा जो इसके साथ कॉमन है. तो कॉमन देख लेते हैं. तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 क्लोज. और इधर क्या? एक्स लेस देन 9 बाई 2. तो एक्स लेस देन 9 बाई 2. तो ये मेरा आंसर हो गया. सो फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस पर्टिकुलर केस माई आंसर इज 2 क्लोज से 9 बाई 2 ओपन. दिस इज वॉट? नॉट द फाइनल आंसर. दिस इज आंसर फॉर केस 1. तो जब भी हम केस में इनइक्वालिटी को ब्रेक मतलब सॉल्व करेंगे, वॉट एवर आंसर यू आर गेटिंग, यू हैव टू टेक इंटरसेक्शन विद दिस पार्ट. एंड दिस इज कॉल्ड वॉट? डोमेन ऑफ केस 1. मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसका आंसर का जो आंसर आया तुम्हारा केस 1 का, नॉट द फाइनल आंसर, केस 1 के अंदर जो ये जो आया इसका आंसर हम, इसका इंटरसेक्शन हम क्या लेंगे? डोमेन ऑफ केस 1 के साथ. दिस इज वॉट कॉल्ड, एक्चुअली हम इसको लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोलेंगे? डोमेन. किसका? डोमेन ऑफ केस 1. थिंग्स आर क्लियर? बहुत समझने वाली चीजें, बहुत बारीक बारीक चीजें, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं, वो यहीं छोड़ देते हैं, फिर वो केस 2 पे जंप कर जाते हैं. नहीं करना इसको, बोल्ड बोल्ड अक्षर में लिख लो, इसका इंटरसेक्शन लेना है हमें केस 1 के डोमेन के साथ, बिकॉज ये आंसर इसका है ना कि इसका, बट हमें इसका निकालना है. तो हमने इसको इस फॉर्म में तो लिखा, बट कब लिख सकते हैं? ओनली फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए ये वाली इनइक्वालिटी इसमें कन्वर्ट हो गई और इसका आंसर ये आया. दैट मीन्स वॉट? इनमें से मुझे वही एक्स लेने जो 2 या 2 से बड़े हों. दैट मीन्स वॉट? वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2. बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं आया समझ में, दोबारा रिमाइंड करके देखो, फिर केस 2 तुम अपने से करो एक बार, और फिर केस 3 करो एक बार वीडियो पॉज करके, ठीक है? मैं तो बताऊंगा ही अभी ऑफकोर्स. तो अल्टीमेटली मैंने देखा मतलब इस क्वेश्चन में कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए मेरे यही फेवरेबल है, ठीक है? सिमिलरली अब मैं इस इंटरवल में देख लेता हूँ कि इस इंटरवल ऑफ एक्स में मेरे कौन कौन से एक्स फेवरेबल है, ठीक है? तो लेट्स डू फॉर दिस. अब 1 से 2 के बीच में ध्यान देखना, 1 से 2 के बीच में दिस इज पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल 1.5 लिया, तो 1.5 माइनस 1.5 विच इज पॉजिटिव, सो दिस मॉड विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन. तो प्लस के साथ ओपन होगा, प्लस के साथ. सो दिस इज एक्स माइनस 1. बट फॉर दिस इंटरवल ऑफ एक्स 1 से 2, कैन यू सी 1.5 रखूंगा मान लो इधर में,
So this is negative. So now this will open with a negative sign. Minus of x minus 2, which is less than 6. इसको सॉल्व किया तो x minus x cancel हो गया, minus 1 plus 2, 1 less than 6. What does this mean? What does this mean? रटना नहीं अगेन. मैं लोला 1 less than 6. ये कब कब true है? किन x के लिए true है? For all x. Of course 1 less than 6 जो है, this is what? For all x. That means इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा? X belongs to R. तो क्या मैं ये केस 2 का फाइनल आंसर बोलूं? नहीं. क्या बोला था मैंने? हम किसके लिए एनालाइज कर रहे हैं? ओनली फॉर दिस इंटरवल. इस इंटरवल में आंसर आया x belong, इस इंटरवल मतलब इसने बोला इस इंटरवल में उस इनइक्वालिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, which is this. And this is true for all x. That means what? इन दोनों का इंटरसेक्शन. तो ऑल रियल के साथ इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? 1 क्लोजर 2 ओपन ओनली. So now this is the final answer for case, final answer for case 2. In short, ऐसे याद रखो, अगर नहीं भी समझ में आया, क्लियर हुआ किसी बच्चे को, तो हमें क्या करना है, जो भी केस का आंसर आएगा, आई एम कॉलिंग दिस एज आंसर एंड दिस एज फाइनल आंसर. सिमिलरली आई एम कॉलिंग दिस एज आंसर, दिस इज फाइनल आंसर. सो जो भी आंसर आता है केस 1 का, उसका केस के उस पर्टिकुलर केस के डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लो, बिकॉज दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ केस 2. गेटिंग इट? इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, 1 less than 6 बोलते क्या आ गया सर, ये कुछ नहीं आया भाई, ये इनइक्वालिटी इसमें कन्वर्ट हो गई. बट इस इंटरवल ऑफ एक्स के लिए, मतलब ये इंटरवल में हम कोई भी एक्स उठाएंगे ना, वो इसको सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज दिस इज ऑलवेज सेटिस्फाइड. हेंस माय आंसर, फाइनल आंसर फॉर दिस इज 1 क्लोजर टू ओपन. क्लियर हुआ? चलो और देखते हैं केस 3. अब मैंने बोला फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल फॉर एक्स लेस देन 1, ये मॉड भी नेगेटिव है, इसके अंदर की क्वांटिटी, इसके अंदर की क्वांटिटी भी नेगेटिव है, दैट यू कैन वेरीफाई. तो मैं मॉड को ओपन करूंगा विद अ नेगेटिव साइन, सो व्हाट यू विल गेट? माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2 व्हिच इज लेस देन 6. तो इधर से आया माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 लेस देन 6 और माइनस 2x एंड लेस देन आई थिंक 3. इधर आया, देख लेते हैं एक बार, माइनस 2 प्लस 1 3, करेक्ट है 3. तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x ग्रेटर देन माइनस 3 बाय 2, सो ये आया. अब ये क्या है? मेरा आंसर फॉर केस 3. बट मैंने क्या बोला, क्या ये मेरा फाइनल आंसर है केस 3 का? नहीं, आई हैव टू टेक इसके केस 3 के डोमेन के साथ इंटरसेक्शन. सो x लेस देन 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन माइनस 3 बाई 2, माइनस 3 बाई 2. सो आंसर क्या आया? माइनस 3 बाई 2 से 1 ओपन. दिस इज फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, नॉट द ओवरऑल क्वेश्चन का, फाइनल आंसर फॉर केस 3. समझ में आया? अब क्या करें? अब देखो, अब रटना नहीं है, अगेन रटना नहीं है, हम यूनियन लें, इंटरसेक्शन लें, तीनों आंसर का क्या लें? देखो, क्या मैंने बोला कि इस इंटरवल ऑफ एक्स में दीज आर माई, जो मेरा आंसर आया फाइनल आंसर फॉर केस 1, दिस दीज आर फेवरेबल, मतलब इनमें से कोई भी एक्स उठा के मैं इसमें रखूंगा ना, दैट विल बी सेटिस्फाइड. मैं बोल रहा हूँ सिमिलरली इस इंटरवल ऑफ एक्स में मेरा ये आंसर आया, मतलब इस इंटरवल में से मैं कोई भी एक्स उठा के इसमें रखूंगा, दैट विल बी सेटिस्फाइड. सिमिलरली इस इंटरवल ऑफ एक्स में मेरा फाइनल आंसर ये आया, That means इस इंटरवल में से अगर मैं कोई भी एक्सिस में उठा के रखूंगा, that will be satisfied. This implies what? All three are my answers. मतलब ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है. That means what? We have to take union of final answers of all the three cases. तो लिख लो उधर, take union of what? Final answers of all the three cases. All the 3. अभी प्रैक्टिस हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, तो डोंट वरी, अगर कुछ थोड़ा बहुत हल्के फुल्के डाउट रह भी गए हो कि यूनियन कब ले रहा है, इंटरसेक्शन कब ले रहा है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टार्टिंग में, बट इट विल बी क्लियर, डोंट वरी. सो टेक यूनियन ऑफ फाइनल आंसर्स ऑफ ऑल द थ्री केसेस. सो बस इसको, दिस यूनियन लिख दो बस डायरेक्टली. आई विल से फाइनल आंसर, चलो जगह नहीं है, मैं इधर ही लिख रहा हूँ, देखता हूँ आ रहा है कि नहीं स्क्रीन पे, नहीं आ रहा तो मैं ऊपर क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, ठीक है? मैं ऊपर लिख रहा हूँ उसका आंसर. सो माइनस 3 से, एक तो मेरा ये आया माइनस 3 बाई 2 से 1 यूनियन, दिस इज 1 क्लोज से 2 ओपन यूनियन, 2 क्लोज से 9 बाई 2 ओपन. अभी देखना इसको और शॉर्ट तरीके से लिखूंगा, 2 क्लोज से 9 बाई 2 ओपन. नाउ कैन यू सी कि 1 इधर ओपन है, इधर क्लोज है, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को क्लब कर दूं. सिमिलरली इधर 2 ओपन है बट इधर तो इंक्लूड हो गया, सिमिलर दिस विल आल्सो बी गेट क्लब. सो फाइनल आंसर क्या, आई कैन से माइनस 3 बाई 2 से 9 बाय 2. कैन यू सी, देख लो इधर करेक्ट लिखा, माइनस 3 बाई 2 से 1 इसने क्लब कवर कर लिया 1 को छोड़ के, बट इसने फिर 1 से इंक्लूड कर लिया, बिकॉज हियर इट इज क्लोज, 1 क्लोज से 2 ओपन,
इधर टू ओपन है बट इसने क्लोज कर दिया, टू क्लोज से 9 by 2 ओपन. तो यूनियन ऑफ दीस टू दीस थ्री आई कैन इन राइट इन कॉम्पैक्ट फॉर्म एज माइनस 3 by 2 से 9 by 2 ओपन. क्लियर हुआ, चीजें क्लियर हुई, समझ में आ रही हैं. चलो एक बार अपन क्विक रिव्यू करते हैं हमने क्या क्या किया. देखो हमने क्या सबसे पहले देखा कि दो दो मॉड थे, मॉड ऑफ समथिंग प्लस मॉड ऑफ समथिंग इज समथिंग लेट ग्रेटर देन या लेस देन, जो भी था लेस देन 6 था इस क्वेश्चन. ठीक है, अच्छी बात है. हमें क्या करना था, जैसे मैंने बोला तो मैं बैक ऑफ माइंड क्या चल रही थी, सबसे पहले मॉडुलस देख के व्हाट इज आवर मेन क्राइटेरिया, मतलब मेन प्रायोरिटी क्या होगी, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ऐसे बोल लो वी हैव टू रिमूव द मॉड, कैसे भी करके हमें मॉड को रिमूव करना है. बट हमने देखा कि दो दो मॉड थे, एक मॉड होता है तो ईजी होता है, बट दो दो सेपरेटिंग मॉड थे, उनके बीच में प्लस साइन था या नेगेटिव जो भी था. फिर हमने देखा कि हमने क्या किया, वो मॉड के करस्पॉन्डिंग जो रूट थे, जैसे मॉड ऑफ एक्स माइनस वन था, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, तो इन दोनों रूट्स के करस्पॉन्डिंग हमने उन दोनों को प्लॉट किया नंबर लाइन पे. ऐसा करने से, वन और टू प्लॉट करने से, मेरा जो पूरी एक्सेस थी वो तीन रीजन में डिवाइड हो गई. ठीक है ना, फिर मैंने रीजन रीजन वाइज एनालिसिस किया. मैंने बोला कि चलो ठीक है, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू देख लेते हैं हमारे कौन से फेवरेबल एक्स हैं. फिर मैंने लिखा एक्स वन और टू के बीच में जितने भी एक्स हैं उनमें से कौन से फेवरेबल हैं. फिर एक्स लेस देन वन के से, लेस देन वन से जितने भी एक्स हैं वो उसमें से कौन कौन से फेवरेबल हैं. फिर ऑल द यूनियन ऑफ ऑल द थ्री. अब जब हम केस वन पे आए, लेट्स से मैंने बोला फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, देन वी हैव सीन कि जो मॉड है, बोथ द मॉड उनके अंदर जो भी लिखा है वो पॉजिटिव है फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, हैंस वी कैन ओपन द मॉड विद पॉजिटिव साइन बोथ द मॉड्स. तो उससे मेरी इनइक्वालिटी ये बनी, इसका आंसर ये आया. बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर फॉर केस वन, वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ दिस विद डोमेन ऑफ केस वन, बिकॉज ये आंसर इसका है और इसको हमने, वो मेन क्वेश्चन था उसको हमने ऐसे कब लिखा, विद दिस कंडीशन, अंडर दिस कंडीशन ओनली वी हैव राइट द आवर इनिशियल क्वेश्चन एज दिस. सो वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ दिस विद डोमेन ऑफ केस वन. सो फाइनली यू हैव गॉट दिस एज द फाइनल आंसर फॉर केस वन. सिमिलरली हियर ऑल्सो final answer for case 2, final answer for case 3, union of all the three cases is my answer. So this way or in compact form you can write this way, minus 3 by 2 open से 9 by 2 open. clear, एकदम crystal clear होना चाहिए. चलो एक आध question और करते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना. तो video pause करो, इसको copy कर लो. देखते अपने से कोई क्वेश्चन. मैंने लिखा मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री. चलो इस बार चेंज करते थे ग्रेटर देन टेन, शायद पिछली बार लेस देन लिया था, अब ग्रेटर देन टेन. ठीक है, वीडियो पॉज करो, सेम स्टेप फॉलो करना है. ठीक है, सेम स्टेप्स यू हैव टू फॉलो. फर्स्ट प्लॉट दीज रूट्स, देन दैट सिंस दीज आर देयर आर टू रूट्स, सो पूरी रियल एक्सिस तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. मेक थ्री केसेस, analyze for all the three cases, जो भी आंसर आए तीनों केसेस के फाइनल, उनका यूनियन इज माई फाइनल आंसर. ठीक है, आई विल मेक इट बिट फास्ट, लेकिन एज कम्पेयर टू जो भी हमने समझा था उससे थोड़ा फास्ट चलेंगे. ठीक है, तो ये वाला मॉड और ये मॉड के इसके करस्पॉन्डिंग रूट इज वन, इसके करस्पॉन्डिंग रूट इज थ्री, तो इधर वन आया इधर थ्री आया. ठीक है ना, so let's say this is my region वन, this is my region टू, this is my region थ्री. तो मैं इन तीनों रीजन के लिए अलग अलग सेपरेट एनालिसिस करता हूँ. सो फॉर माई केस वन, केस वन दैट इज फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, x अगर 3 से बड़ा है, मैं ये देख रहा हूँ इन सभी x में से कौन सा फेवरेबल x है. ठीक है, तो for x greater than equals to 3, both the mod, whatever is written inside the mod is positive, hence we can open the mod directly. So what you will get here is x minus 1 plus x minus 3 greater than 10. So from here you get 2x greater than I think 1 plus 3 4, 4 14. So x greater than 7. Can I say this is the final answer? नहीं, जल्दी जल्दी mistake नहीं करना है. इन दोनों का इंटरसेक्शन इज व्हाट फाइनल आंसर फॉर केस. एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, द रीजन इज ये आंसर इसका है, बट ये क्वेश्चन थोड़ी था, क्वेश्चन तो ये था, हमने क्वेश्चन को इसमें लिखा अंडर द कंडीशन दिस, हैंस वी हैव टू टेक इसका और इसका इंटरसेक्शन. तो x ग्रेटर देन 7, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो जब यू विल टेक इंटरसेक्शन, लिख के बताता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 मतलब फील्ड सर्कल ये रहा 3 ये रहा, और ग्रेटर देन 7 मतलब ये रहा, तो दिस इज द इंटरसेक्शन पार्ट. तो मैं आंसर क्या बोलूंगा, फर्स्ट इनइक्वालिटी का 7 ओपन से इन्फिनिटी, 7 ओपन से, दिस इज नाउ फाइनल आंसर. किसका फाइनल आंसर फॉर केस 1. ठीक है, सिमिलरली वी विल डू फॉर केस 2. अब केस 2 को देख लेते हैं. तो केस 2 क्या है मेरा, 1 से लेके 3 के बीच में. तो मैंने बोला केस 2,
केस टू। अच्छा इधर मैंने इक्वालिटी लगा दिया तो उधर फिर तुम थ्री पे मत लगाओ, वन पे लगा दो, कहीं भी एक जगह लगाओ लेकिन लगाना है। मैंने लिखा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन लेस देन थ्री। इधर मैं इक्वालिटी नहीं लगा रहा हूँ बिकॉज इधर मैंने लगा चुका हूँ, ठीक है। चलो तो मैंने कहा वन से थ्री के बीच में, नाउ यू कैन सी लेट से टू ले लिया तो दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। तो ये वाला मॉड जो होगा फर्स्ट मॉड उसके अंदर जो क्वांटिटी लिखी दैट इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स इन दिस इंटरवल, हेंस दैट विल ओपन विद अ पॉजिटिव साइन, तो एक्स माइनस वन। एंड जो दूसरा ब्रैकेट है दैट इज नेगेटिव, हेंस वी विल ओपन द मॉड विद अ नेगेटिव साइन, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन टेन। तो इधर से मेरा क्या आया एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन टेन, तो एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, टू ग्रेटर देन टेन। अब सुनो ध्यान सुनो, उसे बोला टू ग्रेटर देन टेन, टू ग्रेटर देन टेन एक इनइक्वालिटी है, इज इट ट्रू? नो इट इज दैट इट इज नॉट ट्रू, हेंस इसका आंसर इज फाइव। अब क्या मैं इसको फाइनल आंसर बोलूं? मतलब बोल भी सकता हूं बट अभी नहीं बोलूंगा। द रीजन इज जब भी मैं फाइनल निकालता हूं आंसर किसी भी केस का तो उसके डोमेन के साथ उसका इंटरसेक्शन लेता हूं, बट सिंस इट इज फाइव तो नल सेट का इंटरसेक्शन इसके साथ इज फाइव। तो फाइनल आंसर फॉर केस वन केस टू इज फाइव। दैट मीन्स व्हाट, हम इसको मतलब समझेंगे कैसे कि वन से लेके थ्री के बीच में एक भी कोई ऐसा एक्स नहीं है, एक भी ऐसा एक्स नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। व्हाट डज दिस मीन? मतलब मैथमेटिकली तो प्रोसीजर कर ही रहे हैं पर इसका मतलब क्या है? फाइव आने का मतलब कि इस इंटरवल ऑफ एक्स में मतलब वन से थ्री के बीच में ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। गेटिंग द थिंग्स? अब आते हैं लास्ट केस पे, दैट इज केस थर्ड। सो दैट इज फॉर एक्स लेस देन वन। अब इधर लेस देन लगा दिया क्योंकि वन को मैंने इधर इंक्लूड कर लिया था, ठीक है ना। ओके नाउ लेस देन वन के लिए क्या होगा? दिस मॉड जो भी इस मॉड के अंदर लिखा है दैट इज नेगेटिव, सिमिलरली वॉट एवर इज रिटन इनसाइड दिस मॉड इज ऑल्सो नेगेटिव, सो बोथ द मॉड विल ओपन विद अ नेगेटिव साइन। सो वॉट यू विल गेट हियर इज माइनस ऑफ एक्स माइनस वन माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री विच इज ग्रेटर देन टेन। फ्रॉम हियर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन टेन, तो माइनस टू एक्स ग्रेटर देन सिक्स, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स लेस देन माइनस थ्री बाई टू देख लेते हैं। नो 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 माइनस थ्री ओनली नॉट थ्री बाई टू, सो एक्स लेस देन माइनस थ्री। कैन आई से दिस इज आंसर फॉर द केस थर्ड? नो, वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन विद केस थर्ड का डोमेन, सो आई हैव टू टेक इंटरसेक्शन विद दिस डोमेन, सो इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो फाइनल आंसर क्या लिखूंगा? एक्स लेस देन वन तो मेरा वो है और ये लिखा है एक्स लेस देन माइनस थ्री, तो दिस इज द आंसर इंटरसेक्शन। तो आंसर फॉर केस थर्ड इज माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री ओपन। Now this is final answer for case third. Now finally what you have to write for writing the final answer for the actual question, you have to take union of all three. So union of all three will be simply, ये तो null है तो ये तो खत्म ही हो गया, तो final answer मैं लिख रहा हूँ इधर। तो final answer for this question is minus infinity से minus three union 7 to infinity. Getting things? अच्छा इसको मैं और compact form में लिख सकता हूँ, देखना। Can I write this in some compact form? Yes. कैसे करके देखना, दिस इज द फाइनल आंसर, ये तो फाइनल है मेरा आंसर, बट इसको मैं एक और फॉर्म में लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ इसको जैसे माइनस इन्फिनिटी माइनस थ्री और सेवन से इन्फिनिटी, तो मैं इसको लिख रहा हूँ आर माइनस क्लोज ब्रैकेट माइनस थ्री से क्लोज ब्रैकेट सेवन। जस्ट वेरीफाई दीज टू आर इक्वल और नॉट। मैंने क्या किया, ऑल रियल नंबर्स में से माइनस थ्री क्लोज से सेवन हटा दिया, वट एवर आई एम गेटिंग इज द हेंस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्लोज क्यों लगाया? बिकॉज माइनस थ्री और सेवन भी नहीं चाहिए, तो माइनस थ्री पे ओपन है ना, इधर सेवन पे भी ओपन है, तो ऑल रियल में से ये इंटरवल हट जाएगा, तो वी विल गेट दिस इंटरवल ओनली, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। अब मैं एक दो तीन क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख देता हूँ, उसके बाद फिर अपन एंड अप करते हैं, ठीक है। करना जरूर है क्वेश्चन, चलो रब कर रहा हूँ मैं इसको, कॉपी कर लूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करना इसका, ठीक है ना। मतलब दिस इज अ मतलब एक्सट्रीम क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन मेंस, मतलब इससे ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। दिस इज द मैक्सिमम लेवल, और इसके बाद हमारा एक इनइक्वालिटी और आ जाता है दैट इज स्क्वायर रूट, तो वो हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन लेट्स से लेस देन फाइव, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस मॉड ऑफ x माइनस थ्री। अच्छा ये तीन का हमने नहीं लिया, तुम लोग तीन का एक बार ट्राई करना, ग्रेटर देन टेन। चलो ग्रेटर देन इसको थोड़ा बड़ा कर लो, ग्रेटर देन 14। चलो थर्ड वन मॉड ऑफ x माइनस वन, चलो x माइनस टू प्लस मॉड ऑफ x माइनस थ्री लेस देन फोर। फोर्थ वन मॉड ऑफ
x plus 3 plus mod x is greater than 5. फिफ्थ वन मैं एक आध मॉड एक्स्ट्रा मॉड के लगाता हूँ, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, इधर ग्रेटर था तो इधर मैं लेस देन का लगा देता हूँ, लेट्स से कुछ भी ले लेते हैं, लेस देन चलो 14 ही लिख देते, उधर 14 था तो लेट्स से 14 होगी। और एक आध क्वेश्चन और, एक चार मॉड का और कर लेते हैं, ठीक है ना, तो मैक्सिमम हो जाएगा, चार मॉड से ज़्यादा तो पक्का नहीं आएगा, तो एक चार मॉड का सिंपल दे रहा हूँ मैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर, विच इज लेट्स से लेस देन इक्वल्स टू 20। और इसी को दोबारा लिख लो एक बार, इसी को दोबारा सेम क्वेश्चन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 के साथ। सो दीज विल बी अ होमवर्क क्वेश्चन, 7 क्वेश्चंस दिए, ठीक है ना, होमवर्क क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। इन द स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर मैं कल डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है, सबको ट्राई करना है, टाइम देना है, थोड़ा एनर्जी देना है, ओके। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।